स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीन कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का 4 घंटे रेल रोको आंदोलन। रेलवे ने पंजाब, यूपी और हरियाणा में बढ़ाई फोर्स। अजमेर ख्वाजा साहब के दर पर आज सोनिया गांधी की चादर पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मांगेंगे खुशहाली की दुआ। राजस्थान भाजपा में विधानसभा चुनाव से पहले घमासान तेज। वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित करने पर समर्थक बना रहे दबाव। थम नहीं रहा तेल के दामों में तेजी का सिलसिला। पेट्रोल 36 तो डीजल 35 पैसे हुआ महंगा। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 103 रुपए पार। किसानों का आंदोलन आज 85वें दिन भी जारी है। आंदोलन को तेज करने की स्ट्रेटजी के तहत किसान आज 4 घंटे देश भर में रेल रोकेंगे। आंदोलनरत किसान जहां एक ओर लगातार भारत सरकार से बातचीत का आह्वान कर रहे हैं, वहीं आंदोलन को धार देने में भी जुटे हुए हैं। किसान अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल रोक रहे हैं। इस दौरान किसान सबसे पहले उन्होंने रेल का फूल मालाओं से स्वागत किया और उसके बाद रेल यात्रियों से संवाद भी कर रहे हैं। इस दौरान आंदोलनकारी किसान रेल यात्रियों को पानी, दूध और चाय भी पिला रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में लगभग 52 स्टेशनों को संवेदनशील मानते हुए वहां स्पेशल फोर्स तैनात किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन सतीश शर्मा का गोवा में निधन हो गया। 73 वर्षीय शर्मा रायबरेली और अमेठी से सांसद रह चुके हैं। जितिन प्रसाद और अलका लांबा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अनेक कांग्रेसी नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। कैप्टन सतीश शर्मा केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं। कैप्टन शर्मा का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निकट सहयोगी रहे शर्मा नरसिम्हा राव सरकार में 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूपों का संक्रमण फैलने के मद्देनजर विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नई मानक संचालन प्रक्रिया 22 फरवरी की रात 11:59 से आगामी आदेश आने तक लागू रहेगी। नए दिशा निर्देशानुसार ब्रिटेन, यूरोप और पश्चिम एशिया से आ रहे यात्रियों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को अपनी तय यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर स्वयं घोषणा पत्र भरना होगा और कोविड-19 से संक्रमित नहीं होने की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 12,881 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,09,50,201 हो गई है। वहीं इस दौरान 101 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,014 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 11,987 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दर पर आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की चादर पेश की जाएगी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को चादर सौंपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता चादर लेकर अजमेर पहुंचेंगे और दरगाह शरीफ में चादर पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चादर पेश कर प्रदेश और देश की खुशहाली की दुआ मांगेंगे। राजस्थान भाजपा में विधानसभा चुनाव से 3.5 साल पहले ही घमासान मचा हुआ है। इस समय राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समर्थक व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक पर सक्रिय हैं। यही नहीं, असंतुष्ट खेमा बैठक पर बैठक कर रहा है। इस दौरान वसुंधरा राजे को फिर से लाने की मांग इस खेमे की ओर से की जा रही है। जबकि छबड़ा से 5 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जयपुर में वसुंधरा राजे गुट की कमान संभाले हुए हैं। वे आए दिन राजे के पक्ष में न केवल बयान देते हैं बल्कि पार्टी को उनकी जरूरत का एहसास भी कराते हैं। इस बीच एक बड़ी रैली की तैयारियां भी शुरू हो गई है। अब जयपुर में कहीं भी कानून व्यवस्था की व्यवस्था बिगड़ी तो पुलिस 1 मिनट में पहुंचेगी। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर पॉपअप के माध्यम से जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद पुलिस उस एरिया में कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए तुरंत एक्शन ले सकेगी। इसके लिए जयपुर पुलिस ने एक निजी कंपनी से करार किया है और उस कंपनी की ओर से विकसित की गई जार्विस नामक ऐप का प्रयोग कर जयपुर पुलिस अपनी पहुँच को शहर के उन क्षेत्रों तक बढ़ा सकेगी जहाँ अब तक जयपुर पुलिस की पहुँच नहीं है। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर जार्विस ऐप का इस्तेमाल करके देखा जा रहा है और उपयोगी साबित होने पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम पुलिस कर्मियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल की जाएगी। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के सीईओ और संस्थापक जेफ बेजोस एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं।
बेजोस ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़ ये स्थान प्राप्त किया है। उनके पास कुल 191.2 अरब डॉलर की दौलत है, जो मस्क से 95.5 करोड़ अधिक है। बेजोस बीते महीने ये स्थान गंवाने से पहले 3 साल तक इस पर काबिज रहे थे, मगर मस्क ने उन्हें थोड़े समय के लिए पीछे छोड़ दिया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अमीर अरबपतियों की सूची में शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं। आईपीएल 14 के लिए आज खिलाड़ियों का बाजार सजेगा। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। नीलामी के लिए 292 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें से 164 भारतीय और 125 विदेशी हैं। 3 एसोसिएट खिलाड़ी भी किस्मत आजमाएंगे। 8 फ्रेंचाइजी टीमों को 61 स्थान भरने हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को सबसे ज्यादा 11 और सनराइजर्स हैदराबाद को सबसे कम 3 खिलाड़ियों का चयन करना है। कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 10वें दिन पेट्रोल के दाम 36 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ा दिए हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 22वीं बार बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 96.37 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम 88.69 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 7.05 रुपये और डीजल के दाम में 6.63 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। श्रीगंगानगर में प्रीमियम पेट्रोल 103.27 रुपये हो गया है और ऑर्डिनरी पेट्रोल 100.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।